टॉप फाइव बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 1 लाख। तो यार अगर आपका बजट 1 लाख है, इस प्राइस रेंज में आप एक स्मार्टफोन जाना चाहते हो या लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए। बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूँ, नंबर 5 पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S2 Plus को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको स्नैपड्रैगन 888 इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है या फिर अगर आपको गेमिंग करनी है, उसके साथ साथ भी अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, ये जो स्मार्टफोन है आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है, ज़्यादा समय खराब नहीं करने वाला। बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.7 इंच की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूं, 8 GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 128 GB स्टोरेज, प्लस 256 GB स्टोरेज, दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बैटरी की बात करूं, आपको 4800mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, प्लस आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12 MP प्लस 64 MP प्लस 12 MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 10 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus के। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्मार्टफोन 4 कलर्स में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, आप 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको 4K ऑप्शन भी मिल जाता है, फ्रंट कैमरे में भी आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होगा। एंड भाई अगर आपका बजट 1 लाख से भी बहुत कम है, आपको सही प्राइस में मिल जाता है, मतलब आपको 80,000 से लेकर 85,000 के बजट रेंज में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो चेकआउट कर लेना, बैंक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 पे यार मैंने रखा गेमिंग स्मार्टफोन। मैं बात कर रहा हूं असूस रॉग फोन 5 अल्टीमेट की। तो भाई अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। भाई अगर आपको लैगिंग इशू, हीटिंग इशू इस स्मार्टफोन में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। प्लस भाई अगर आप ज़्यादा ही गेमिंग करते हो, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूं, आपको 80,000 के बजट रेंज में असूस रॉग फोन 5 अल्टीमेट देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ मिलता है, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी होने वाली है, आपको 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन गार्ड नहीं देखने को मिलता, आज तक तो नहीं आया, ठीक है। तो भाई आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 65W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, प्लस रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कैमरा क्वालिटी बहुत तगड़ी होने वाली है। अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, या अगर आपको गेमिंग डिज़ाइन स्मार्टफोन चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला है असूस रॉग फोन 5 अल्टीमेट। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं, आपको 80,000 के बजट रेंज में, 80,000 के बजट रेंज में असूस रॉग फोन 5 अल्टीमेट देखने को मिल जाता है। इसके और भी वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 60,000 से स्टार्ट हो जाता है, 80,000 तक इसका बजट चला जाता है। इसके और भी स्पेसिफिकेशन आते हैं, मैं आपको डीपली नहीं बता रहा, बिकॉज मेरी वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, सो दैट्स वाई इसीलिए मैं आपको डीपली ज़्यादा नहीं बता रहा। अभी आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पर यार मैंने रखा आईफोन 12 को। तो सबसे पहले भाई सभी को पता है आईफोन 12 कैसा है कैसा नहीं, इसका डिज़ाइन, इसकी लुक, हैंडी फ़ोन है। भाई अगर आपको एक हैंडी स्मार्टफोन चाहिए या वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, या फिर अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी है, स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला है आईफोन 12। अगर मैं बात करूं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 6.1 इंच की सुपर टिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी है। अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होगा, मतलब ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको A40 बॉनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 4 GB रैम मिल जाती है, प्लस ये 3 वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, लेकिन जो मैं वेरिएंट कह रहा हूं, वो आपको 256 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करूं, 2850mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग भी
सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। कैमरे की बातों को 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। सभी को पता है कि इसका पोर्ट्रेट कितना सही है। सेल्फी की बात करूं आपको 12 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने व्लॉगिंग करनी है कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए आप सभी के लिए परफेक्ट होने वाला, डिस्प्ले अच्छी चाहिए या फिर अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला आईफोन 12। अभी आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 की, ज्यादा समय खराब नहीं करने वाला, नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पे यार मैंने रखा आईफोन 12 प्रो को। तो सबसे पहले यार ये स्मार्टफोन भी आपको 100,000 के बजट रेंज में देखने को मिल जाता है। इसका कैमरा, इसके डिस्प्ले, इसका डिज़ाइन, वाटरप्रूफ होना, प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने आईफोन 12 प्रो की ओर जाना है आप इसकी और भी जा सकते हो। ज़्यादा नहीं बताने वाला बिकॉज सभी लोगों को ज़्यादातर पता ही होता है, एप्पल लवर जो भी होते हैं सभी को पता है ज़्यादातर एप्पल 12 कैसा है या आईफोन 12 प्रो मैक्स कैसा है, आईफोन 12 प्रो कैसा है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 1 इंच की सुपर टीना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को A40 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं 6GB RAM के साथ आता है। 3 वीड में देखने को मिलता है 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज, 512GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं आपको 2850mAh की बैटरी मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। कैमरे की बातों को ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 12 मेगापिक्सल के साथ, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं आपको 12 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है। सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया आईफोन 12 प्रो के। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए या अगर आपको एक स्लिम स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, ये स्मार्टफोन भी आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। जो मैंने आपको पहले बताया वो स्मार्टफोन भी आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। अपना बजट देख लेना, अपना प्राइस देख लेना, अपनी चॉइस देख लेना, जो भी आपको सही लगता है। सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपने खुद देखने हैं, स्पेसिफिकेशन पढ़ने हैं, जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं सबसे पहले आपको 8K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो स्मार्टफोन है इसके स्पेसिफिकेशन सच में बहुत ही तगड़े होने वाले हैं। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, इसका डिज़ाइन एंड जो बैक साइड में कैमरे की शेप है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगती है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात आपको 6.8 इंच की सुपर डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको 888 5nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस जो है प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं ये 2 वेड में आता है 12GB रैम के साथ, 16GB रैम के साथ। 3 वेड में देखने को मिलेगा 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज, 512GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, प्लस रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। कैमरे की बात करूं आपको कोर कैमरा सेटअप मिल जाता है 108 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करूं आपको 40 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के भी। ये स्मार्टफोन भी आपको 100,000 के बजट रेंज में देखने को मिल जाता है। तो भी अगर आपका बजट कम है, जो मैंने नंबर 4 पर बताया या नंबर 5 पर बताया, आप उस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ सूस रॉग फोन 5 अल्टीमेट, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाली है। एंड भाई अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए आईफोन 12 प्रो या सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो है, आप इसकी और भी जा सकते हो। अगर आपका बजट कम है, आपको डिस्प्ले भी अच्छी चाहिए, कैमरा भी अच्छा चाहिए, डिज़ाइन भी अच्छा चाहिए, वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस जो है आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। आप उसकी और जा सकते हो। सभी के बाइंग लिंक मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना अगर चेकआउट करना चाहते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।